हर जन्म का एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को जानना ही जीवन है। कृष्णा ने जन्म क्यों लिया, देवकी की कोख से जन्मा कृष्णा यशोदा के यहां क्यों पड़ा हुआ, बचपन का शरारती कृष्णा बड़ा होकर पहलवान कृष्ण कैसे बन गया, कुश्ती के मैदान में कंस का वध कैसे हुआ, उस पहलवान कृष्णा की कहानी केवल द्वापर युग तक ही सीमित नहीं, ये आज के कलयुग में भी उतना ही प्रासंगिक है। ये मर्दों की भूमि है, गजेंद्रगढ़, शौर्य रोमांच इस मिट्टी के कण कण में रचा बसा है। ये है सरकार, ज्येष्ठ पहलवान ब्रह्मचारी। बहुत साल पहले ही इन्होंने कुश्ती करना छोड़ दिया, पर कुश्ती ने इन्हें नहीं छोड़ा, अपने पट्टों में से किसी को नेशनल चैंपियन बनाना ही इनका सपना है, इसलिए इन्होंने अपना पूरा जीवन कुश्ती को समर्पित कर दिया। इनके जीवन में एक दिन ये क्या, तीन तीन लड़के मिलकर एक बच्चे को मार रहे हैं? अरे वो लड़का खुद ही शर्त लगा के इनसे लड़ रहा है। सरकारी लड़का मर जाए। सरकार, आपको कैसे पता चला ये लड़का पलट कर मारेगा? उसकी आंखों में डर नहीं है। दो दो। लो भाई। ये लो। आप बहुत थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। बाय बाय। पहलवानों, दर्द हुआ? भूख के आगे ये दर्द कुछ भी नहीं है। कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ है बेटा? मेरा कोई नहीं है साहब, मैं अनाथ हूँ। जब तक इंसानियत जिंदा है तब तक बेटा कोई अनाथ नहीं हो सकता। मेरे साथ चलोगे? छाप झगड़ालू लड़के को आप अपने घर ले आए, ये ठीक है क्या? क्या आपने कभी एक जून की रोटी के लिए लड़ाई की है? लेकिन वो लड़ता है, वो भी अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। अगर ये ऐसे ही लड़ता रहा कल को ये गुंडा नहीं बनेगा, इस बात की क्या गारंटी है? ताकत का गुरूर जिसको होता है वो है गुंडा, लेकिन जिसके इरादों में ताकत भरा वो योद्धा है, और ये योद्धा। हे, कौन है वहां? क्या हुआ? ये घर छोड़कर जा रहा था सरकार। तुम में से किसी ने इसको डांटा क्या? किसी ने कुछ भी नहीं कहा सरकार, मैंने जिंदगी में कभी इतना प्यार नहीं देखा, हमेशा दुत्कार और फटकार में ही जीता रहा, इतने प्यार की आदत नहीं है मुझे। कल को मुझे घर से निकाल दिया गया तो तुम मेरे बेटे जैसा नहीं, मेरे बेटे हो, मेरा बेटा।
यही है हमारा मंदिर, अखाड़ा। मैं जब इतना सा था ना, तब से यही कुश्ती सीखता आया। मेरे दादा परदादा सब लोगों ने यही तालीम ली। बेटा मेरा एक सपना है, पूरा करोगे? पढ़ाई के अलावा मैं कुछ भी करूंगा। कुश्ती में नेशनल चैंपियन बनना है तुम्हें, बनोगे? सरकार ये जिंदगी आपकी है, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। ए बुड्ढे, मैं सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुआ। अगला राउंड शुरू हो चुका है। नकुल का हम अगर नॉक आउट करने की कोशिश, और टोनी काउंटर गवाही। दोषी पाए जाने पर टोनी पर 5 साल का बैन लग सकता है। तो क्या अब टोनी का करियर खत्म होना है? ए बुड्ढे, तू जो रोटी खाता है ना मेरी वजह से, जो कपड़े पहनता है वो भी मेरी वजह से, अब गवाही देकर मुझे बैन करवाएगा? टोनी देख, इतनी जल्दी भूल गया? नाली में पड़ा था, वहां से उठाकर तुझे ट्रेन करके चैंपियन बनाया, याद है कि नहीं? चल हट। तूने जितनों को ट्रेन किया वो सब चैंपियन बने क्या? मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास ताकत है, ताकत। That's why I'm a champion. सुन, मेरे जैसा बॉक्सर पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा, समझा क्या? मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। से भी बड़ा चैंपियन तैयार करूंगा। अगर सचमुच तुझ में इतनी हिम्मत है तो किसी एक को, बस एक को मेरे जैसा बना के दिखा। टोनी इज द बेस्ट। इंतजार रहेगा मुझे किसी मर्द के बच्चे का। परेशान मत हो पापा, टोनी मेरा शागिर्द है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना कमीना निकलेगा। तो उसे भूल जाओ ना पापा, उसकी तरह तो आप किसी को भी ट्रेन कर सकते हो। ये इतना आसान नहीं है बेटा। टोनी वो हीरा है जिसे मैंने अपने हाथों से तराशा, और इस हीरे को सिर्फ दूसरा हीरा ही काट सकता है। क्या? मैं तो धरती मैया को दंडवत प्रणाम कर रहा था बेटा। तू तो गधा है पप्पू। क्या बोला? कहा कहीं था? हमला
हमला पप्पू राव नाम है मेरा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तू जैसे किसी भी पहलवान को नहीं छोड़ा, सब पे हमला कर चुका हूँ मैं। छोड़ जानता हूँ सब। क्या कि तुमने किसी पहलवान पर हमला नहीं किया, आने जाने वाले लोगों ने तुम पर ही बार बार हमला किया, इसीलिए तेरा नाम हमला पप्पू हो गया। अबे मुंह बंद रख, ये ले 20 रुपए, दूध पी लेना। अरे यार बच्चे कुछ इज्जत को क्यों मिट्टी में मिला। एक्सक्यूज मी, जस्ट अ मिनट सर, दूध पी के दंड पेल। मैं विजेंद्र, बॉक्सिंग कोच। नमस्ते सर। नमस्ते, मुझे पता चला है कि आप अपने चैंपियन की पुरानी चीजें देना चाहते हैं। जी आइए, ये है। अरे अरे वाह वाह वाह, पक्का देसी पहलवानी का सामान है ये, क्या मैं इसे उठा सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। थैंक यू। अगर हमारे लड़के इन्हें इस्तेमाल करेंगे ना तो चट्टान बन जाएंगे। क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ? इसकी कीमत नहीं लगा सकते सर। ओ यानी इतना अनमोल है। जी हाँ ये अनमोल है सर। 7 सालों तक लगातार जिस योद्धा को कभी भी कोई नहीं हरा सका, ये सब उसी महान चैंपियन की यादें हैं सर। यहाँ रखी हर चीज पर हमारे चैंपियन की निशानी है सर। अगर आप 4 साल पहले यहाँ आते तो हमारे पहलवान किच्चा को देख पाते। किच्चा शेर की तरह अखाड़े में उतरता था, शेर था वो, शेर। पहलवान को हारने के लिए घंटा के सरकार है ये, एक लौंडा तो पैदा कर नहीं सका, इससे हम काहे को डरे वे? अगर असली मर्द का बच्चा है तो बोल दे, मेरे साथ भी दो दो हाथ करके देख ले। छोड़ छोड़, जो ना कहते हमें तक करा कि फेर दिखे कर गिटा बिना कोई पॉइंट लिए वो भी जीत लेगा, कम से कम एक पॉइंट तो वो जरूर लेगा। देखना खेलने वाला तो खेले है बंटा, देखने वाले को क्या समझ में आएगा घंटा। पहलवान किच्चा को जीतने के लिए 5 पॉइंट की जरूरत है, लेकिन बलजीत सिंह भी कड़ी टक्कर दे रहा है, आज वो हार मानने वालों में से ना है। चल आजा, चल चल।
कहाँ चले? सुनाई नहीं दिया? सरकार मंदिर जा, जा। मंदिर? अच्छा, वो कुश्ती में जीता तो मन्नत मांगी थी कि मंदिर। यार सोच समझ कर जवाब देना। मन्नत मांगी है तुमने? मैंने सरकार इसके लिए मन्नत मांगी थी। पता चल गया क्या? अबे ये तो भगवान ही जाने। नेशनल्स में सिलेक्ट होना है इसे, इसलिए पुलिस स्टेशन और लड़ाई झगड़े से दूर रखना है इसे, समझे? सरकार क्या कह रहे हैं आप? अखाड़े में करते हैं कुश्ती, बाहर निकलते ही दोस्ती, ऐसी है इनकी हस्ती। कौन से मंदिर जा रहे हो? आसमान से गए खजूर में अटके। वो गणेश मंदिर। गणेश मंदिर के बाद महालक्ष्मी मंदिर। महालक्ष्मी को कभी देखा भी है क्या? देखा है, ये भी कोई पूछने वाली बात है? सुंदर चेहरा और चेहरे की वो रौनक, क्या आकर्षण है। वाह वाह वाह, बता नहीं सकता इतनी खूबसूरत है। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, मैं यहाँ से निकलने की कोशिश तो कर रहा हूँ। वो क्या है कि अब वाओ, बाल बाल बच गए। उस तरफ ना। हाँ हाँ उसी तरफ। ए इडियट, दिखाई नहीं देता क्या? ना तरफ ही आ रहे हैं। जब जब धरती पर अन्याय और अत्याचार बढ़ता है, असुरों का अट्ठास बढ़ता है, उसके अंत के लिए उन्हें आना ही पड़ता है। मजाक कर रही हो क्या? हमें कुछ नहीं होगा, पूजा पर ध्यान दो। ए हीरो, किससे पंगा ले रहा है जानता भी है? सॉरी सर। भैया सरकार के बारे में कुछ बोला है आपने? क्या बोला था? थोड़ा याद करके बताना, क्या बोला था? अगर असली मर्द का बच्चा है तो बोल दे, मेरे साथ भी दो दो हाथ करके देख ले। हाँ तो? कुछ नहीं भैया, मेरे माँ बाप भगवान गुरु जैसे सरकार के बारे में इतना कुछ बोला है तो सोचा कि मिलकर जाऊँ। किसके इलाके में आया है जानता है क्या? हेलो, आ गए हैं तो जान भी जाएंगे। ऐसा क्या? दरवाजा बंद कर। अरे भाई टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूँ ना, मैं ही बंद कर देता हूँ। दरवाजा क्यों बंद करवाया? धोने के लिए भाई। तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, धो दे। पापा, मैं मार धार नहीं कर सकता। ये फाइटिंग के लिए नहीं, सरकार फोन करेंगे, थोड़ा मैनेज कर लेना प्लीज। मेरी कुटाई होने वाली है सरकार। मैंने फोन किया है, ये बात उसे बताना मत।
बेटा नमरी तो बाप दस नमरी। नहीं बताऊंगा सरकार। क्या कर रहा है वो? तोड़ रहा है। नारियल तोड़ रहा है सरकार। ओ सरकार खड़े खड़े क्या कर रहे हो? नीचे बैठो। बैठ गया। कर लो जाओ। दर्शन तो हो गया, अब प्रसाद बांट रहे हैं सरकार। आप सब लोग जाओ दर्शन करो। चलो चलो चलो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? उन दो से कृष्णा जी। सरकार आरती चल रही है बेटा। हाँ सरकार। हाँ सरकार। ठीक है, जल्दी दर्शन करके आ जाओ। जी सरकार। मैं राणा का आदमी हूँ। कौन सा राणा? राणा स्थलीपुर का राजा। तेरे राजा के सर पर क्या सिंह है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं सरकार के बारे में कभी कुछ नहीं बोलूंगा। कहता है गलती करने वाले को एक बार माफ कर देना चाहिए। दोबारा मेरे भगवान के बारे में कुछ बोला तो नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा। जब शर्ट पहननी है तो उतारते क्यों हो? समझ में नहीं आ रहा। सरकार के बारे में तुम कुछ नहीं जानते पापा, घर तो चलो। रोड के बीचों बीच कटआउट किसने लगवाया? जी वो रोड पब्लिक का है, किसी के बाप का नहीं। हाउस है जी। ए सुन, इस जगह पे ये कटआउट कब से लगा है? मुझे नहीं पता साहब, मैं इस गांव का ही नहीं हूँ। सर, सर आप यहाँ पर नए आए हैं, इसीलिए आप उनके बारे में नहीं जानते। कोई लीडर है कि देशभक्त? उनमें से कोई नहीं है सर। तो है कौन? ये है हमारे गाँव के महाराजा। बरसों से इनका ही परिवार यहाँ पर राज करता चला आ रहा है। यहाँ के सब लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं। गांव में किसी भी काम की शुरुआत इन्हीं के हाथों से होती है। यहाँ के एमएलए एमपी को जनता नहीं यही चुनते हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई इनके मान सम्मान पर एक उंगली भी उठा दे, और अगर उठाई तो फिर तो क्या करेगा?
हा? राजा हो या मंत्री, गलती तो गलती है ना। कानून सबके लिए एक ही है। इसे तो मैं ही उखाड़ फेंकता हूँ। लात चलाएगा तेरी इतनी हिम्मत। राजा साहब, ये गांव में नए हैं, इनसे अनजाने में गलती हो गई। इनसे नहीं, इनसे नहीं, इससे, इससे। मेरा नाम है राणा, राजा राणा प्रताप वर्मा। सरकारें बदलती हैं, लेकिन राजा नहीं बदलता। ये राणा क्या बला है पता है तुझे? अगर शादी का घर है तो वहां दूल्हा हूं मैं, और अगर मातम का घर है तो वहां लाश भी मैं। इस इलाके का हर शख्स पहला सलाम मुझे ठोकता है, और तेरी ये जरूरत कि तूने मेरे कटआउट को छुआ? नहीं राजा साहब, नहीं, मैं इसे समझा दूंगा, इसने अनजाने में गलती कर दी है। ए, चल चल, अरे चलना, चलो। खैर, सैल्यूट मार। सैल्यूट मारेगा ना राजा साहब? सर, सैल्यूट मारिए, वरना यह हमें मार देगा। सैल्यूट मारिए सर। ये तो यहां धुनी रमाए बैठे हैं भाई। धोकर आए? मेरा मतलब है मंदिर होकर आए बेटा। सुसु करके आओ सरकार। नहीं नहीं, रोक लेता हूं। क्यों भैया, प्रसाद तो मिलाना। प्रसाद? मंदिर गए थे तो दरवाजा बंद था, तो कैसे प्रसाद? सुबह से पता नहीं सरकार ये क्या क्या बके जा रहा है, कोई लिमिट ही नहीं है। ये लो प्रसाद। अब तक घर नहीं गई? आपका इंतजार कर रही थी ना। भैया एक बात पूछूं, ये प्रसाद गणेश का है या महालक्ष्मी का? तुम जाके सो जा, जा। मुन्ना, हाँ क्या, सो जा ना। तुम जा। तुम नहीं, तेरा जा, जा, तुम जा। फोन पे तो मैनेज कर लिया था सरकार। शर्ट उतार कर धोया ना? बहुत धोया, खाल उधेड़ दी। बच्चा है वो, झगड़ने के लिए लेके जाते हो? बच्चा है वो? मेरा बेटा है वो। मेरे बारे में कोई कुछ बोला छोड़ेगा नहीं। वह हवा बेटे ने निकाली और यहाँ प्रेशर मेरा चेक हो रहा है, क्या किस्मत है। सब कुछ बता दिया क्या? इतना भी दिमाग नहीं तुझे? इतना ये मेरे साथ क्या हो रहा है? बाप ठोकता है और बेटा बजाता है। और एंगेजमेंट रिंग मुझे दे देना, इसे बाहर रख। अचानक से ही अपनी बेटी की शादी फिक्स कर दी? पापा ने फिक्स की है, मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं वो अच्छे से जानते हैं। अरे नहीं हरबानी, मैंने और लड़के के डैड ने मुंबई में एक बड़ी सी प्रॉपर्टी डेवलप की है, और ये भी इकलौती औलाद है उनकी। अगर ये शादी हो गई ना तो हमारा रिश्ता भी अच्छा होगा और बिजनेस भी। यार बिजनेस बढ़ाने के लिए किसी अनजान लड़के से अपनी बेटी की शादी कराओगे? जब मम्मी और पापा की शादी हुई थी तो वो एक दूसरे को जानते थे क्या? फिर भी वो दोनों खुश थे ना? बहुत खुश रहेगी मेरी बेटी, देखना तुम। अच्छा, उनके पास मुझसे कहीं ज्यादा दौलत है। मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, जो भी मुझसे शादी करेगा फॉर श्योर वो मुझे हमेशा खुश रखेगा। বয়সের যে কোনো সময়ে বডির স্টপ বাটনকে অন করুন গ্রোথনের সাহায্যে।
হিমঋষি সংস্থার স্টেট অব দি আর্ট রিসার্চ ল্যাব বহু বছরের পরীক্ষার পর এটা আবিষ্কার করেছেন যে মানুষের অবিকশিত শরীরকে যে কোনো বয়সে বিকশিত করা যায়। এটার কথা মনে রেখে হিমালয় আর আফ্রিকার জঙ্গলে পাওয়া যাওয়া কিছু দুর্লভ গাছগাছড়া যেমন আজগন, বিধারা, চন্দ্রসু, হেলো ইত্যাদিকে বিশেষ অনুপাতে মিশিয়ে তৈরি করা হয়েছে গ্রোথন এনশিয়েন্ট আয়ুর্বেদিক বডি গ্রোথ ফর্মুলা। গ্রোথন, যার মার্কেট প্রাইস হলো 2990 টাকা। সো কল ফর ইট রাইট নাও। আমার ছেলে ক্লাসের মধ্যে সবথেকে ছোট ছিল। পুরো ক্লাসের বাচ্চারা ওকে ছোটকু ছোটকু বলে ডাকতো। খুব খারাপ লাগতো আমার। এমনকি ওর ডায়েটও চেঞ্জ করে দিলাম। ওকে ডিম, দুধ, বাদাম সব খাওয়াতাম। এমনকি রোজ গার্ডেনে নিয়ে গিয়ে ওকে আমি ঝোলাতাম, তাও তেমন কোনো ফল হলো না। আমাদের এক ভাইজান ডক্টর, যখন আমি ওনার সঙ্গে পরামর্শ করলাম, উনি বললেন ওকে গ্রোথন দিতে। আল্লাহর দয়ায় গ্রোথনের সাহায্যে কিছুদিনের মধ্যে অনেকটা তফাৎ দেখতে পেলাম। এখন আমি ওকে রোজ খাওয়াই। মাত্র কয়েক মাসই হয়েছে, এখনই ক্লাসের মধ্যে সব থেকে আলাদা দেখায় ওকে। কিন্তু এখন গর্ব হয় আমার ওর জন্য। গ্রোথন এনশিয়েন্ট আয়ুর্বেদিক বডি গ্রোথ ফর্মুলা। গ্রোথনে আপনি পাচ্ছেন দুটো পাউডার বটল। গ্রোথনের মার্কেট প্রাইস হলো 2990 টাকা। অর্ডার নাও। গ্রোথনে এমন কি আছে যা সব বয়সের শরীরে গ্রোথ আনে? বডি গ্রোথের রহস্য আপনার গ্রোথ হরমোনস মানে HGH এ লুকিয়ে থাকে। পিটিউটারি গ্ল্যান্ড সবথেকে বেশি অ্যাক্টিভ থাকে 3-20 বছর বয়সের মধ্যে। তারপর বয়স বাড়ার সাথে সাথে এর সক্রিয়তা কমতে থাকে। আমাদের রিসার্চে আমরা সেই ফর্মুলা খুঁজতে শুরু করেছিলাম যা পিটিউটারি গ্ল্যান্ডকে রিভাইটালাইজ করে আর বডি গ্রোথ নতুন করে শুরু হতে পারে, আর সেখান থেকেই জন্ম নেয় গ্রোথন। শুধু এটা বলুন যে গ্রোথন আমাদের শরীরে কিভাবে কাজ করে? দেখুন, যখন আপনি গ্রোথনের সেবন করেন তখন হাইপোথ্যালামাস গ্ল্যান্ড আপনার পিটিউটারি গ্ল্যান্ডকে বারবার সিগন্যাল পাঠাতে থাকে, যার ফলে পিটিউটারি গ্ল্যান্ড আরো দ্রুত HGH অর্থাৎ হিউম্যান গ্রোথ হরমোন প্রোডিউস করতে থাকে। এই হরমোন আমাদের গ্রোথ বাড়িয়ে তোলে। আপনার ভার্টিব্রাল ডিস্কের থিকনেস আর ডেন্সিটি বেড়ে যায়, যার ফলে স্পাইনের নমনীয়তা বেড়ে যায়, আর থেমে থাকা বা ধীর গতিতে থাকা বডি গ্রোথ দ্রুত বাড়তে থাকে। ইনফ্যাক্ট আপনার পশ্চারও ইম্প্রুভ হয়। এটা তো জানি এই প্রোডাক্ট 100% আয়ুর্বেদিক, কিন্তু আমি তাও জিজ্ঞেস করব যে এটার কোনো সাইড এফেক্ট তো নেই? ইটস অ্যাবসলিউটলি সেফ। বডি হাইট গ্রোথ ছাড়াও এটা মেটাবলিজম ভালো করে, যার ফলে এনার্জি লেভেল বাড়ে আর সারা দিন আপনি এনার্জেটিক থাকেন। সেকেন্ডলি, কোলেস্টেরল লেভেল কন্ট্রোলে রাখে, তাই এটা হার্টের জন্য টনিকের কাজ করে। এটাকে কতদিন ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যাবে? যদি তাড়াতাড়ি ফল চান তাহলে রেগুলার ইউজ করুন। সম্বন্ধ আসতো আমার জন্য, কিন্তু পছন্দ করে যেত আমার ছোট বোনকে। ওনারা বলতেন আপনাদের বড় মেয়ে তো বেটে। আমার খুব রাগ হতো। আমার শাশুড়ি যখন প্রথমবার আমাকে দেখতে এলেন, এই হলো প্রিয়া আমার বড় মেয়ে, আর এ হলো পিহু আমার ছোট মেয়ে। কিন্তু মনে হচ্ছে তো ওই বড়, খুব স্মার্ট পার্সোনালিটি ওর। আমার তো এইরকমই স্মার্ট বৌমাই চাই। ইনফ্যাক্ট আমি তো আমার ছোট বোনের উপর বিরক্ত হয়ে যেতাম। আমি একদিন টিভিতে গ্রোথনের অ্যাড দেখে আনিয়ে নিলাম। দুমাসেই তফাত বুঝতে পারলাম, সত্যি তফাত এসছে। 3 মাস পরে শাশুড়ির সাথে একজনের গৃহপ্রবেশে দেখা হলো। ওয়ে হোয়ে, কি সুন্দর লাগছে! বাহ, কি সুন্দর, কি গ্রেট পার্সোনালিটি! তাহলে দাদা কি বুঝবো, ডিসেম্বরে বিয়ে পাকা? আর ওখানেই বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। চাইলেই জীবনে কি না পাওয়া যায় বন্ধু। মাল্টিন্যাশনালের যুগ এখন, আর স্মার্ট পার্সোনালিটিজ ডেফিনেটলি ওয়ার্ক করে। আমি নিজে জীবনে কমপক্ষে 15টা ইন্টারভিউ দিয়েছি, কিন্তু কখনো সিলেকশনই হয়নি। সবসময় তাদেরই সিলেকশন হতো যাদের গ্রোথ ভালো। একবার আমার বন্ধু, যার যোগ্যতা আমার থেকে অনেক কম, ওর সিলেকশন হয়ে গেল কিন্তু আমার হলো না। এই নে মিষ্টি খা। আরে আমার সিলেকশন হয়ে গেছে। জানি না কিভাবে ও আমার মুখে ভীষণ ইরিটেশন দেখতে পেল। আরে বিরক্ত হোস না, গ্রোথন খা, তোর হাইটও আমার মতো হয়ে যাবে। আমি গ্রোথন অর্ডার করলাম আর এখন আমি ডিফারেন্স ফিল করতে পারছি। আজ আমার পার্সোনালিটিতে এত তফাত এসেছে, কনফিডেন্সে এত তফাত এসেছে, যে জবটা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম আজ সেই জবই আমি পেয়ে গেছি। প্রত্যেক মিটিং এ আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান, এন্ড আই ফিল ভেরি গুড। কারই বা ভালো লাগে। আমার সব বন্ধুরা কলেজে যাওয়ার পর নিজের গার্লফ্রেন্ড জোগাড় করে ফেললো, কিন্তু আমাকে দেখে মেয়েরা শুধু কিউট বলে দূরে চলে যেত। ছোটু, আরে আমাকে ছোট বলিস না, এই ছোট শব্দটা শুনেই আমার রাগ হতো। বডি গ্রোথ না হওয়ার জন্য আমি হেরে যেতাম। আমার থেকে রোগা ছেলেরা আমার থেকে কম্পিটিশন জিতে যেত। একদিন আমি টিভিতে গ্রোথনের অ্যাড দেখলাম। অ্যাডে বলা হচ্ছিল যে এখন যে কেউ গ্রোথন দিয়ে নিজের বডি গ্রোথ বাড়াতে পারে। তারপর আমি ফোন করে আনিয়ে নিলাম আমার কলেজ ফিজের পয়সা দিয়ে। আমার মামা আমাদের বাড়িতে আসলেন, আমাকে দেখে চমকে গেলেন। আর মেয়েরা, আজ কলেজে রোজ ডে, আর এই রোজেস দেখে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। বয়সের যে কোনো সময়ে বডির স্টপ বাটনকে অন করুন গ্রোথনের সাহায্যে। আপনি আপনার বডি গ্রোথকে সুন্দর দেখাতে কি কি না করেছেন?
হাজার রকমের ওষুধ খেয়েছেন, এক্সারসাইজ করেছেন, ডায়েট করেছেন, কিন্তু তাও একটুও ফারাক পড়েনি। আপনি উঁচু উঁচু হিলস পরেন, জুতোর মধ্যে মোটা মোটা সোলস লাগিয়ে পরেন, সেটা আনকমফর্টেবল তো হয়ই, তার সাথে সাথে আপনার পায়েও ব্যথা হয়। আমি বলবো যে এই সব প্রশ্নের উচিত উত্তর দিন আর ভাগ্যের চাকাটাকে ঘুরিয়ে ফেলুন গ্রোথনের সাহায্যে। গ্রোথনের মার্কেট প্রাইস হলো 2990 টাকা। প্রোডাক্ট শুধুমাত্র টিভির সাহায্যে অর্ডার করতে পারবেন, তাহলে আর দেরি কিসের, অর্ডার নাও। কৃষ্ণা কি শাদি কে লিয়ে লড়কিয়ো কে কুছ ফটোগ্রাফস হ্যায়? মে আপনে বেটে কো বহুত আচ্ছি তরহ সে জানতা হুঁ। জব তক ও ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন নেই বনেগা, শাদি নেই করেগা। মেরে সামনে বোল দিয়ে উসকে সামনে ভুল কর ভি মত বোলনা, হাঙ্গামা কর দেগা। কুছ জ্যাদা হি হসরা, ক্যা হুয়া, ক্যা বাত হ্যায়? ভরোসা নেই তুঝ পে। ক্যা ইয়াহি কি তু পিতা নেই? এই এক বার বোলা তো ইয়কিন নেই হোতা ক্যা? দেখ उधर जो बैठी है उस बिल्ली की कसम पिया तो देख, कसम तोड़ा तो क्या होगा पता है ना? पता है। अच्छा बता, किस खुशी में यहाँ बैठ के पी रहा? लव फेलियर भाई। ये एग्जाम में कभी क्वेश्चन पेपर फेल होता है क्या? कौन फेल होता है? जो लिखता है। करेक्ट है ना। लव कभी फेल होता है क्या? कौन? लवर्स फेल। तेरे फेल होने में मुझे डाउट ही नहीं है पप्पू। इसे क्या पता सच्चा प्यार क्या होता है? अबे पीता नहीं बोल के पूरा पावा ढकेल लिया तूने। ओ यार चल छोड़ जान दे, कुछ नहीं होता। इतना ध्यान से सुना है बता, ये लव है ना, ये सिक्स पैक जैसा होता है। आना मुश्किल है, आया तो मेंटेन करना और भी मुश्किल है। कैसे? लेकिन फ्रेंडशिप है ना पप्पू। नीचे देख, पेट को ऐसे आराम से आता है पप्पू। आने के बाद तुम कुछ भी करो, मरने तक तुम्हारे साथ रहता है, समझे? ये जब ऐसा है तो प्यार व्यार क्यों पप्पू? ऐसा बोलने वाले ही प्यार करते हैं और शादी भी। ए, क्या करेगा? प्यार करेगा। कौन करेगा? तू करेगा। मैं करूंगा? हाँ। प्यार व्यार में नहीं पड़ना ऐसा सरकार बोलते है, इसलिए हनुमान ब्रह्मचारी सरकार, ब्रह्मचारी मी आज सब ब्रह्मचारी। मैं शादी नहीं करूंगा तेरी कसम, प्यार नहीं करूंगा तेरी कसम, तेरी कसम तुझे आज मुझे बिल्ली की कसम खाई थी, शराब नहीं पीता, बिल्ली को ही निपटा दिया। मेरी कसम खाई है कि प्यार नहीं करेगा, मेरा क्या होगा? मुझे जिंदा रहने के लिए इसे प्यार करने से रोकना होगा, शादी करने से रोकना होगा, कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। अब एक कार निकालो। सीताराम विवाह, तुम्हारी शादी का योग बन गया है। राशि नक्षत्र के हिसाब से तुम्हें तुम्हारी सीता मिलेगी। हो ही नहीं सकता, ये ब्रह्मचारी है, शादी ना करने की कसम खाई है इसने। भाई मैं मत करता हूँ, ये इसलिए कह रहा है क्योंकि मैं हनुमान भक्त हूँ और साक्षात हनुमान जी का ही कहना है ये। क्या? कि तुम्हें तुम्हारी सीता मिलेगी और उसी के साथ तुम्हारी शादी भी होगी। ऐसा क्या? अरे भाई ये ढोंगी है, अपने माल के लिए आपको हलाल कर रहा है। ओए पंडित, तुझे और कोई बकरा नहीं मिला क्या? मेरे ज्योतिष शास्त्र को झूठा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देख लेना, हनुमान जी स्वयं आएंगे और तुम्हें तुम्हारी सीता से अवश्य मिलवाएंगे। जब तुम उसे देखोगे, उससे मिलोगे, उस समय तुम्हारे प्रेम के साक्षी अग्नि, जल, वायु तीनों बनेंगे, ये याद रखना। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अरे वाह, प्रभु ने साक्षात लक्ष्मी माता को ही भेज दिया। हे लक्ष्मी माता, मैं आ रहा हूँ। पप्पू, पप्पू, हारमोनियम बजाने वाले को हनुमान बनाकर बिठा दिया, हद है। पप्पू, राम, राम। हाँ तुम ही? राम नहीं, कृष्णा, नमस्ते। हनुमान का सुर किससे लगा था, कृष्ण से या राम से? राम से। तो फिर सीता मैया उधर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, जाओ राम, तुम जाओ।
ये रामायण में राम की जगह कृष्ण कहाँ से आ गया? कंफ्यूजन दिया है। लक्ष्मी माता रुकिए ना, भक्त की इतनी भी परीक्षा मत लीजिए, रुकिए ना। माता माता मैं आपका भक्त हूँ, भक्त को कैश दो माता। माता 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 मेरी माता माता तुम्हारे प्रेम के साक्षी अग्नि। वायु तीनों बनेंगे, ये याद रखना। उसे देखा तो ऐसा लगा जैसे 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 मतलब बोलता हूँ यार, जैसे दीप स्तंभ हो। पूजा करने का मन करता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ज्योतिषी की बात सच होने वाली है? ज्योतिषी की बातों पर भी कोई भरोसा करता है क्या? अरे वो खुद हनुमान जी ने बोला है ना। वहाँ देखो वो रहे हनुमान जी, अगर वो बोलेंगे तो मैं मान लूंगा। देख उधर, देख उधर, देखा। अबे वो लेडी नहीं बॉडी है। उधर तेरी खड़ा है, आप बोलिए। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप मेरी छोटी सी हेल्प करेंगे? क्या चाहिए वो बोलिए। इसको मार दो, इसको मार दो। इधर स्वाइन शॉप से चार बियर लेकर आएंगे। क्या 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 बोला आपने? बियर और स्ट्रॉन्ग वाली चिल्ड, चिल्ड भी साथ में, सिगरेट भी। सिगरेट चाहिए भाई और क्या? बोलिए 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 बोलिए। गुटखा संस्कार सर्व गुण संपन्न। वाह 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 वाह। ये ले आइए प्लीज। थैंक यू। मेरे ले इधर ले इधर। थैंक यू। अगरबत्ती की जगह सिगरेट जल रही है। लड़की का सारा गुस्सा पुतले पर निकाल रहा है। पहलवान जी कहाँ चले? भैया मैं तो पानी पीने जा रहा था। पानी पीने जा रहा है या अब तक की मेहनत पर पानी फेरने जा रहा है? भैया मैं उस लड़की से प्यार करके शादी। ये प्यार वर्षा बकवास है, डिब्बे में डाल के कोने मरा, क्या हुआ तुझे? क्या है ना भैया, उस लड़की का परिवार, उसकी सभ्यता, उसके संस्कार। संस्कार सभ्यता क्या मुझसे ज्यादा जानता है तू? इसके चक्कर में पड़ा था, लोटा लेके घूमता रहेगा लोटा। गन्ना जानता है ना तू? गन्ना उसके रस की तरह चूस के फेंक देंगे तुझे, समझा ना? और सुन, तू है पहलवान, मन में रखना है कुश्ती और बनना है तुझे चैंपियन। इसको छोड़ के आगे पीछे कुछ भी और कोई भी नहीं, समझा तू? समझ गया। ए, तो देखा तुमने, सीखो।
ये क्या है भैया? गीला लंगोट बांध ले, अंदर की गर्मी कम हो जाएगी। क्या काम करने आया कि दरबार लगाने आया है? अबे चिल्ड बियर, चल कमाल होता है। वो कहावत सुनी है ना, सांड को कभी लाल कपड़ा नहीं दिखाना चाहिए वरना वो भिदक जाता है। मैं दिखाऊंगा और वो भिदके कभी नहीं। अच्छा? ओ मैडम, मैडम सिगरेट गुटखा बियर कुछ चाहिए क्या? लड़का लाके दे देगा। कौन? अरे वही जो उस दिन लेके आया था। उनसे मिल सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं, आइए आइए। कृष्णा, ए कृष्णा, चिल्ला रहा है भाई? वो बियर वाली लड़की आई है, फिर से माल मांग रही है। इस बार उसे छोड़ना मत, लगा देना। यस मैडम, मैंने उसे समझा दिया है, अब जाइए। आ जाओ भाइयों, अब सांड के सामने आ गया है लाल कपड़ा। सांड अब पूछेगा, ये खतरनाक बंदर, मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता, घूम जाओ। अब हमारा कृष्णा तोड़ेगा, फोड़ेगा, चीखने चिल्लाने की आवाज आएगी, आवाज आएगी। सुनो सुनो सुनो, अभी तक आवाज क्यों नहीं आई? बैठिए ना, अरे बैठिए ना। थैंक यू। ये आप अच्छे ना? तो अच्छे रहेंगे। ये सांड लाल कपड़ा देखकर भी नहीं भड़का, ये चमत्कार कैसे हुआ भाई? तुझे पता नहीं है ना? नहीं। बियर, सिगरेट, गुटखा ये सब अपने लिए नहीं, कोई फ्रेंड बैठा आई थी इसके ये आके लेके गई यार। बस इनको तो कोई आदत ही नहीं है। वो शरीर पे यार भासो में यार। आप बैठिए ना, आप बैठिए ना। हनुमान जी ने दिशा भी सही दिखाई थी और ज्योतिष ने करेक्ट ही बोला था। सो स्वीट ऑफ यू। मेरा नाम है रुक्कू। रुक्कू? रुक्मणी। रुक्मणी, कितना चला ले पप्पू ने। तुम्हारा नाम क्या है? कृष्णा। नाइस फ्रेंड्स। आने वाले विजयदशमी उत्सव में श्री विजय दुर्ग संस्थान की ओर से विशेष कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य के सिर्फ 4 पहलवानों को चुना गया है। उसमें से एक विजेंद्रगढ़ के सरकार के यहाँ से श्री वीर हनुमान अखाड़े के पहलवान कृष्णा का चयन किया गया है। कृपा करके आप अपने बेटे को जरूर भेजिएगा। हमारा सौभाग्य जी, जरूर आएगा, खुशी होगी। कब है? कल रात को। फिर तो हमारे पास बहुत टाइम है। वो रुको है ना मैडम। हाय। आप यहाँ कैसे? विजय दुर्ग जा रही थी। विजय दुर्ग? अरे हम भी वही जा रहे हैं, आइए। आप मुझे मरवा के रहेगी। पप्पो यहाँ कैसे? तू तो अंदर बैठा था ना। आप वो रेडिएटर में पानी डालने के लिए ऐसे बाहर आता रहता है। आप चलिए मैं लेके चलता हूँ। इन्हें देख के लगता है ये कुछ परेशान है। शक्ल पे फिल्म देखने वाली आप पहली इंसान है। चलिए चलते हैं। पप्पो इनकी गाड़ी को ठीक करना है, यही रुक। आप चलिए। हाँ तो विजय दुर्ग क्यों? वहाँ दशहरा उत्सव चल रहा है। गजेंद्रगढ़ से एक बड़ा पहलवान आने वाला है, सुना है उस पर बैट लगाओ तो डबल पैसा मिलता है। आपने कभी उस पर बैट लगाई है क्या? आप उस पहलवान को जानते हैं क्या? कौन है? होगा महापुरुष। हाँ? कोई महापुरुष आपने बोला है तो फिर आप उस पहलवान को देखने जा रही है क्या? आपको जीप चलाना आता है? अच्छा चलाती हूँ ना। चलो आप उड़ाते हैं। मैडम खलास जीप। सॉरी। अरे कोई बात नहीं, आप ठीक है ना? या आई एम ओके। मुझे प्यास लगी है।
अब रुके मैं देखता हूँ। क्या हुआ आपको? ये जो पानी है ना, ये बहुत टेस्टी है। आप भी पियोगे? उसको पिया आपने? वेट, रुक्मिणी जी, क्या कर रही हैं आप? सॉरी, मधुमक्खी जी को लग गया। मधुमक्खी जी चली गई क्या? पता नहीं। उनको सुनाई देता है? तो इतना धीरे क्यों बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ तो इसलिए डर लग रहा है। नहीं तो मैं क्यों डरूं? चैंपियन कृष्णा अपने ही स्टेट वाला है ना? हाँ सर, अपने इलाके का पक्का देसी पहलवान है ये। हम ऐसे किसी को ढूंढ रहे हैं। बचपन से ही प्रैक्टिस करता आ रहा है सर। उसे नेशनल खेलने के लिए एक मौका मिल जाए बस, गारंटी इंडिया के लिए मेडल जीतेगा। प्लीज सर, आप एक काम कीजिए, अगले महीने रणस्थलीपुर में एक टूर्नामेंट होने वाला है, नेशनल सिलेक्टर्स आ रहे हैं, उसको वहां पार्टिसिपेट करने के लिए कहिए। वहां उसका परफॉर्मेंस देखकर डिसाइड कर लेंगे। वो जरूर आएगा सर, और वो उसे जरूर जीतेगा सर। पहले उसे पार्टिसिपेट करने के लिए कहिए, क्योंकि वहां से हमेशा जीतते हैं राजा राणा प्रताप वर्मा ही। साक्षात सीता मैया। कम बड़ी, सिट। क्या नहीं, माँ। एक्चुअली ये जगह उनके लिए है। उनके लिए मतलब? आपके फ्रेंड। एक ही दिन में इतना रिस्पेक्ट? थोड़ा करके एक दिन ये मुझे निपटा ही देगी। भगवान, मैं आ रहा हूँ। लेकिन वो अभी तक आए क्यों नहीं? आएगा, खुद ही देख लेना। और पहलवान किच्चा। हे कृष्णा। रुक्मिणी जी, खुश लग रहे हो, इतना अचानक क्यों बुलाए? डैडी को सब पता चल गया। क्या? मैंने सब बता दिया है। क्या रुक्मिणी जी अचानक बुला, क्या ऐसे बोल रही है? डर लग रहा है? डर नहीं, फर्स्ट टाइम है ना। कुछ नहीं होगा, आराम से बात करना। ओके, सर। यही नाम है ना तुम्हारा? नहीं सर, कृष्णा, प्यार से किच्चा बुलाते। साउंड सो स्टूपिड। येलो ब्लैंक चेक।
जितना लिखना चाहो लिख लो। कितना लिखना है यही सोच रहे हो ना, या फिर लिखना ही नहीं आता तुम्हें? पढ़ा नहीं हूं सर, लिखना नहीं आता। अंगूठा छापो? हाँ सर। सूट्स यू, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। ओके फाइन, मैं ही लिख देता हूं। अकाउंट में नाम क्या है? अकाउंट भी है या नहीं? अकाउंट नहीं है सर, लेकिन समझ नहीं पाए क्यों पूछ रहे हैं आप। मैं जानता हूं तुम मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो, और ये भी जानता हूं तुम्हें चाहिए क्या। वैसे तो जैसे सड़क छाप रोमियो के लिए मैंने अपनी लड़की को पैदा नहीं किया है। सर कहां जा रहे हो? सर वो मुंह बंद रख के जाना चाहता हूं सर। सही है सर, क्योंकि आप कुछ बोलेंगे मैं कुछ बोलूंगा, इतना जो है इतना बन जाएगा, फिर कहीं से कहीं और जाएगा, ये सब क्यों सर? फिर भी आप सुनना चाहते तो बोलूंगा सर। सर वो दूसरों की तरह मैं भी धोखे में आ गया सर। आपका ये बड़ा बंगला, बाहर खड़ी गाड़ी देखकर बड़ा आदमी समझा सर। मामू मैं अपने बारे में नहीं बोलना चाहता, फिर भी बोलता हूं, सुनिए। मुझे लिखना नहीं आता, लेकिन बाहर बुजुर्ग अधेर उनसे छोटे छोटे बच्चे तक बहुत प्यार से मेरा नाम अपने पूरे शरीर पर गुदवाया सर, इतना काफी है मेरे लिए। अकाउंट नहीं है मामू, लेकिन दोस्तों के रूप में कुछ चाहने वालों को बाहर कमाया। अगर वो सब मिलके एक एक रुपए मुझे प्यार से देंगे तो एक अकाउंट खुलेगा और आपसे ज्यादा मेरे पास होगा मामू। अगर मुझसे पंगा लिया तो, अगर मुझसे पंगा लिया तो ऐसा बोलने वाला मैं समझ नहीं हूं, फिर भी बोल रहा हूं, मत लेना। और एक बात मामू, तुझे से ये किन कैसी एक देवी जैसी बेटी पैदा हुई? कैसे मामू, कैसे? नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। और एक बात मामू, आपकी बेटी का दुल्हा मैं हूं तो आपका दामाद मैं ही हूं। ससुर जी मिलते हैं। जो भी हुआ मैंने आपको बता दिया, अगर आप एक बेटी के बाप होते तो आप क्या करते? मैंने उसकी शादी भी फिक्स कर दी है, तो ऐसी हालत में कब है शादी? अगले महीने। आप शादी की तैयारी कीजिए, मैं अपनी जुबान देता हूं मेरी बेटी की तरफ से परेशानी नहीं होगी। मैं कल ही जाकर पाटिल साहब से राइस मिल की बात करता हूं। अच्छा सर, नमस्ते, बात कर सकता हूँ? सर अब तक हम दोनों का एक ही सपना था, वो वैसा ही है या बदल गया है सर? क्यों सर ऐसे बात कर रहे हैं, क्या हुआ? चैंपियन बनने का सपना है या नहीं है सर? क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? सच में या तुम्हारे लिए कोई और सपना जरूरी हो गया है? नहीं सर। रणस्थलीपुर में नेशनल सिलेक्टर्स आ रहे हैं, दिल में जो है निकाल फेंको, ध्यान सिर्फ कुश्ती पर लगाओ। चैंपियन बनने का सपना है या नहीं, या तुम्हारे लिए कोई और सपना जरूरी हो गया है? ध्यान सिर्फ कुश्ती पर लगाओ।
ये सब क्या है किचा? कुछ नहीं सरकार, वो बाइक से मैं। इतने सालों से बाइक चला रहे हो, आज तक नहीं हुआ एक्सीडेंट, अब अचानक कैसे? ध्यान कहां था तुम्हारा किचा? बात यह है कि कुश्ती में जरा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो एक पल में जान चली जाती है। जीवन में मोहमाया को किनारे करके, त्याग करके, पार करके जो आगे बढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ वही पहलवान बन सकता है, सिर्फ वही। इतने सालों के त्याग तपस्या को बर्बाद मत करो बेटा। डर से नहीं आया? देखो हम पहलवान हैं, जीतेंगे तो कुश्ती लड़कर, इंतजार करेंगे उसका। आएगा ना सरकार? जरूर आएगा, आएगा।
হাই শোতে আপনাদের স্বাগত জানাই। এটি হচ্ছে খাজা গোল্ড, পুরুষদের শক্তি। আমি আপনাদের শোতে এসে খুবই খুশি। পুরুষদের মধ্যে সেক্স শুধু উত্তেজনাই যথেষ্ট নয়, তার সাথে শরীরও সাথে থাকা আবশ্যক। তাহলে এই জন্য শরীর আর মস্তিষ্ককে একসাথে কাজ করার জন্য এই বিশেষ প্রাকৃতিক জড়িবুটির মিশ্রণ খাজা গোল্ড। পুরুষদের প্রয়োজন মিনারেলস এর, আর এই মিনারেলস এর প্রাপ্তি হয় খাজা গোল থেকে। সাধারণত পুরুষদের শরীর ক্লান্ত হয়ে যায়, তাই জন্য শরীর আর খুশি থেকে পাওয়া যায় শক্তি, যা আমাদের সেক্স পাওয়ারকে বাড়িয়ে থাকে। প্রাকৃতিক জড়িবুটি দিয়ে তৈরি থাঙ্গা পসপমের বড়া বার মিনারেলস আলা ক্যাপসুলস হল খাজা গোল্ড ক্যাপসুলস। সিদ্ধ আয়ুর্বেদিক ওষুধ পুরুষ শক্তিকে বৃদ্ধি করে, যাতে আপনি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সেক্স করতে পারেন, যার ফলে খুব শীঘ্র গর্ভধারণ হয়। তো খাজা গোল্ড ক্যাপসুলস এক সুস্থ বাচ্চার জন্মেও অনেক সহায়ক। আর সবথেকে ভালো কথা এটা হলো যে এর কোনো সাইড এফেক্ট নেই। যদি আপনি এই স্পেশাল খাজা গোল্ড ক্যাপসুল আনাতে চান, তাহলে স্ক্রিনে দেখানো এই নম্বরে এখনই মিসড কল দিন, নিজের অর্ডার কনফার্ম করুন আর দুর্বলতা থেকে মুক্তি পান। প্রাকৃতিক জড়িবুটি দিয়ে তৈরি থাঙ্গা পসমামের সমান মিনারেলস থাকা ক্যাপসুলস হল খাজা গোল্ড ক্যাপসুলস। শুদ্ধ আয়ুর্বেদিক ওষুধ পৌরুষ শক্তিকে বাড়িয়ে থাকে, যার ফলে আপনি বেশিক্ষণ সেক্স করতে পারবেন, যার ফলে শীঘ্র গর্ভধারণ হয়। তো খাজা গোল্ড ক্যাপসুলস হল একটি সুস্থ বাচ্চার জন্মতেও সহায়ক। আর সবথেকে ভালো কথা এটা যে এর কোনো সাইড এফেক্ট নেই। যদি আপনি এই স্পেশাল খাজা গোল্ড ক্যাপসুলস আনাতে চান, তাহলে স্ক্রিনে দিয়ে থাকা নম্বরে এক্ষুনি কল দিন, আপনার অর্ডার কনফার্ম করুন আর দুর্বলতা থেকে মুক্তি পান। সবাই চায় যে তাদের জীবনে শান্তি হোক, আনন্দ হোক আর সম্পন্নতা হোক, কিন্তু শরীরের ক্লান্তিভাব, ব্যবসায় সমস্যা, এই সমস্যার কারণে সম্ভব হয়। প্রাকৃতিক জড়িবুটি দিয়ে তৈরি থাঙ্গা পসপামের বড়া বার মিনারেলস আলা ক্যাপসুল খাজা গোল্ড তৈরি করে অসম্ভবকে সম্ভব। এটা পুরুষ আর স্ত্রী দুজনের জন্যই থাঙ্গা পসপামের বড়া বার। অধিক ধূম্রপান, হস্তমৈথুন, হরমোনের সমস্যা, এর কারণে আপনার হয়ে যায় দুর্বলতা, এর শুধু একটাই মাত্র চিকিৎসা থাঙ্গা পসমামের বরাবর আমাদের খাজা গোল্ড। সেক্স জীবনে পুরুষদের ইচ্ছা কম হওয়ার অনেক কারণ আছে। এর মধ্যে থেকে একটা হল বিয়ের আগে শুক্রাণুর হানি করা। স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন অথবা পারবেন না, এই কথার চিন্তা সব সময় লেগে থাকা। দ্বিতীয় কারণ হল ধূমপান, মদ, তামাক সেবন আমাদের শরীরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে আর দুর্বল করে দেয়, আর পুরুষত্বহীনতা সৃষ্টি করে দেয়, সেক্সের ইচ্ছা শক্তি কম করে দেয়। খাজা গোল্ড প্রোগ্রামে আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আর স্বাগত জানাই। খাজা গোল্ড প্রোগ্রামে এসে আমার খুব খুশি হচ্ছে, আর এই কথারও যে লোকেরা একটা ভালো প্রোডাক্ট পাচ্ছে। ডাক্তারবাবু, সবাই প্রায়ই অভিযোগ করে যে বাচ্চা হচ্ছে না, এতে স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ খারাপ হয়ে যায়, এমন অনেক সমস্যা হয়ে থাকে। এই দুর্বলতা কি, দুর্বলতার মানে কি আর এর লক্ষণ কি কি? দুর্বলতা এক প্রকারের শরীরের সমস্যা। কিছু লোকেদের সেক্স করতে ভালো লাগে না অথবা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তারা করতে পারে না, খুব শীঘ্রই হাঁপিয়ে যায়। এই ত্রুটিকে আমরা দুর্বলতা বলতে পারি, আর এর কারণে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্বন্ধ খারাপ হয়ে যায়। একদম ঠিক বলেছেন আপনি ডাক্তারবাবু। তো আপনার কাছে যেসব রোগীরা আসে তাদেরকে আপনি খাজা গোল্ড খাওয়ার পরামর্শ দেন? বাজারে তো অনেক ধরনের ক্যাপসুলস উপলব্ধ রয়েছে, আপনি খাজা গোল্ডই কেন দিচ্ছেন? এটা খুব সঠিক প্রশ্ন। খাজা গোল্ড সিদ্ধ আয়ুর্বেদিক ঔষধি, প্রাকৃতিক জড়িবুটিতে তৈরি করা হয়েছে। থাঙ্গা পসপমের মতো এর ভেতরে মিনারেলস আছে, তো ভাবুন যারা এটাকে নিচ্ছে তাদের এনার্জি লেভেল কেমন হবে। আমি নিজের পেশেন্টস আর বন্ধুদের এটাই পরামর্শ দিই যে এর কোনো সাইড এফেক্ট নেই। আমি এটা বলতে একবারই দস্তুত বোধ করছি না যে এই খাজা গোল্ড আমি অনেক দিন ধরেই আর অনেকবার ব্যবহার করেছি। তাহলে এই জন্যই আপনি খাজা গোল্ড খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন? তো আর কি চাই, খাজা গোল্ড খাওয়াতে সাইড এফেক্ট হয় না। তো আর কি চাই, খাজা গোল্ড খেলে কোনো সাইড এফেক্ট হয় না। ডাক্তারবাবু, এটাই কি কারণ যে আপনি খাজা গোল্ড রেকমেন্ড করেন? সাইড এফেক্টস হয় না, এটাও একটা কারণ, কিন্তু এর দ্বিতীয় কারণ হলো এর পারফরমেন্স খুবই ভালো। আর আমাকে সত্যি বলতে হবে যে এর পারফরমেন্স খুবই ভালো। এটা শুধু আমি বলছি না, যাদের যাদের আমি পরামর্শ দিয়েছি তারাও এর প্রশংসা করে। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, অনেক পুরুষদের মধ্যে ছোট লিঙ্গর অভিযোগ থাকে, এই জন্য তারা সেক্স এনজয় করতে পারেন না, তাদেরকে আপনি কি বলতে চাইবেন? দেখুন, কারোর লিঙ্গ ছোট হোক অথবা বড়, আমাদের খাজা গোল্ড খাওয়ার পরে চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই। এটা সেক্সের ইচ্ছাকে খুব বাড়িয়ে দেয়, এতে আনন্দ পাওয়া যায় আর সম্বন্ধ খুব দৃঢ় হয়ে যায়। সেই জন্যে দুর্বল লোকেদের জন্য এই ক্যাপসুল খুব ভালো, সেই জন্যে আমি খাজা গোল্ড ক্যাপসুলের পরামর্শ দিই। ভয় পেও না আর হিম্মত করো। খাজা গোল্ড ক্যাপসুলস কারা কারা ব্যবহার করতে পারে? যে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক এটাকে ব্যবহার করতে পারে, মানে 18 বছর থেকে ওপরের লোকেরা এটাকে ইউজ করতে পারে। যদি আপনি প্রতিদিন কাজ করে ক্লান্ত হয়ে যান,
শরীর ক্লান্ত হয়ে যায়। কাজ শেষ করে বাড়িতে ফিরে মন আর শরীর আপনাকে সঙ্গ না দেয়, সেই জন্যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে না। তো যদি আপনি শান্তি চান, আনন্দ চান, দীর্ঘ সময় চান আর অ্যাক্টিভ শরীর, তো এমতো অবস্থায় শক্তি বাড়াবার জন্য নিন স্পেশাল থাঙ্গা পাসপামের বাড়াবার মিনারেলস কন্টেন্ট ক্যাপসুল, অর্থাৎ খাজা গোল্ড ক্যাপসুলস। এর কোনো সাইড এফেক্টস নেই। এত ভালো কোয়ালিটি আর প্রাকৃতিক তত্ত্বতে পরিপূর্ণ খাজা গোল্ড ক্যাপসুলস খাওয়ার দ্বারা পুরুষদের মধ্যে সেক্স ঊর্জার সঞ্চার হয়ে থাকে আর তার সাথে তাদের স্বাস্থ্যও ভালো হয়ে যায়। আমি আমার নাম বলতে চাই না। অনেকদিন আগে যখন আমার স্বামী রাতে আমার কাছে এলো তখন খুব ক্লান্ত ছিল। আমি নিজের উৎসুকতা আর ইচ্ছের উপরে খুব কষ্ট করে নিয়ন্ত্রণ করলাম। একদিন টিভিতে আমি খাজা গোল্ড ক্যাপসুলসের অ্যাড দেখলাম। আমি অর্ডার করলাম আর ব্যবহার করা শুরু করলাম। প্রথমে তো আমার স্বামী খুব ভয় পাচ্ছিল যে এর কোনো সাইড ইফেক্ট যেন না হয়, কিন্তু আমি এটা খাওয়ার জন্য ফোর্স করলাম। তখন আমার স্বামী এটা খাওয়া শুরু করলো। এখন আমাদের বৈবাহিক জীবন খুশিতে পরিপূর্ণ আর আমরা অনেকক্ষণ পর্যন্ত আনন্দ নিতে পারি। আমার স্বামী প্রতিদিন সকালে স্ট্রবেরি ক্যাপসুলস খান, যা ওনাকে সুস্থ বানিয়ে রাখে। যখন পুরুষেরা ভালো করে সেক্স করতে পারবে তখন তাদের কোনো রোগও হবে না, আর এই ধরনের সেক্স সম্বন্ধ বানায় আমাদের খাজা গোল্ড ক্যাপসুলস। আমার নাম রাজা, আমি একজন পেন্টার। আমি অনেক বছর ধরে মদ খাচ্ছি। আমি বিড়ি সিগারেট ছাড়া কিছুতেই থাকতে পারি না। আমি পুরো মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরতাম। আমি যখন নিজের স্ত্রীকে আমার সাথে সেক্স করার জন্য বলতাম, ও মানা করে দিত। তখন আমি ওকে অনেক ভয় দেখাতাম, ওকে ধমকাতাম। ও না চাইতো আমার কাছে চলে আসতো। আর যখন আমি সেক্স করতাম তো আমি খুব শীঘ্রই আউট হয়ে যেতাম। তো সর্বদা আমি ভাবতাম যে আমি কি করি কি না করি। আমার কাজও একটু মুশকিল। ডাক্তাররা বলতো যে সিগারেট আর মদই আমার নপুংসকতার একটা কারণ। আমার খুব ধাক্কা লেগেছিল। ডাক্তার আমাকে খাজা গোল্ড দিলেন, আমি এটা সকাল সন্ধে নিই। এখন আমি খুব ভালোভাবে কাজ করতে পারি আর নিজের স্ত্রীকেও খুব সন্তুষ্ট করতে পারি, থ্যাঙ্কস টু খাজা গোল্ড। যদি আপনি খাজা গোল্ড খান তাহলে আপনি হলেন জীবনে রাজা। যখন পুরুষ সেক্সে সুস্থ হবে তখন তার কোনো অসুখও হবে না, আর এই রকম সেক্স সম্বন্ধ তৈরি করে আমাদের খাজা গোল্ড ক্যাপসুলস। খাজা গোল্ড অর্ডার করা হলো ভেরি ইজি, যাতে আপনি রাত্রে থাকবেন বিজি। খাজা গোল্ড এক্ষুনি অর্ডার করার জন্য স্ক্রিনে দিয়ে থাকা নম্বরে মিসড কল দিন, নিজের অর্ডার কনফার্ম করুন আর পুরুষত্বহীনতা থেকে মুক্তি পান। गलती की वजह से कितना बड़ा हंगामा हो गया पता है तुम्हें? सरकार से कभी भी आज तक किसी ने ऐसी बातें नहीं की। बेली, तुम्हारे पापा ने न जाने क्या क्या कहा। सरकार, ये दोनों भी नहीं जानते थे कि इतना सब कुछ हो जाएगा। सरकार, दोनों बच्चे हैं, ये नहीं जानते थे कि ये सब। सरकार क्या है तुम तो जानते हो, और आप भी नहीं जानता।
मेरे सामने जो आदमी खड़ा है, मैं उस इंसान को नहीं पहचानता, बिल्कुल नहीं पहचानता। मैंने जिस बेटे को पाला था, ये नहीं है वो। हाँ, लेकिन देखिए बुजुर्ग है आप, इसलिए फायदा मत उठाइए। पूछा था भरोसा कर सकता हूं या नहीं, मेरे भरोसे का यही सिला दिया तुमने। आज मैं तुमसे दो वचन मांगता हूं, तुम्हारे पति उसे पूरा कर पाएगा बेटा? जी सरकार, आप जो कहेंगे ये करेंगे। मेरी सिखाई हुई विद्या का इस्तेमाल नहीं करेगा और कुश्ती भी नहीं लड़ेगा। ये जहां भी रहे खुश रहे, लेकिन मैं आज के बाद इसको देखना नहीं चाहता। सरकार, ये सब क्या कह रहे हैं आप? नहीं देखना चाहते क्या मतलब? कहां जाएगा ये? ये आपका बेटा है, कोई कुछ भी बोल देगा आप अपने बेटे को घर से निकाल देंगे? ये लड़की जहर पीने वाली थी, इसीलिए शादी करके इसे यहां ले आया। कृष्ण, तू चल, अंदर चल। पहली बार मेरे भगवान मुझसे कुछ मांग रहे मूर्ति काका। जान भी मांगे तो दूंगा। के बाद हमने उन्हें आज तक नहीं देखा। उन्हें यह भी नहीं पता था कि कहां जाना है, अब वो कहां है, कैसे हैं, कुछ भी नहीं पता। पहचाना? कमीने, छोड़ दे मुझे। साइन कर देना यार। मर जाऊंगा लेकिन कभी साइन नहीं करूंगा। गुड। हे भगवान, मेरी बेटी, उसकी क्या गलती है? उसे यहाँ क्यों लेकर आया हूँ? मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ दूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो। साइन करूंगा। क्या बोला? जहां बोलोगे वहां साइन करता हूं। मेरा बेटा पहले से ही दिल का मरीज था, ये बात सबसे छिपाकर वो रिंग में उतरा। डॉक्टर ने सर्टिफाई किया है कि इसी की वजह से उसकी मौत हो गई। ये बात सच है, मैं गवाही देता हूं। ये सब तो ठीक है, लेकिन लेकिन बस आपके कोच को कोर्ट में नहीं पहुंचना चाहिए, फिर ये बैन पक्का रद्द हो जाएगा। ये यहाँ देख लो ना बेटा, ये नहीं चाहिए पापा। ताजा। हाँ ठीक है। हाँ
भाई क्या हुआ? वो भी यही है, मैंने उसे देखा। कौन, किसे देखा? पहलवान को। पहलवान को कहाँ? वहाँ। बिस्किट दे देखा, एक मिनट है। अरुको, अरे आप है कहाँ? तुम्हारे दिल में। चुप, जल्दी आइए ना। जल्दी क्यों? ए, शर्मा रही है? प्रिंसिपल वेटिंग। ताई, आज काय पेसल है तुमचं? आज हमारी शादी की सालगिरह है। ऐसा क्या? ये ले, ये मेरी तरफ से गिफ्ट। तुम लोग की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे, सलमी निकते। गजरा घ्या गजरा। क्या कर रहे हो तुम? पटको पट। इन लड़कों में कृष्णा को ढूंढ रहे हो ना सरकार? आप हर पहलवान में उसी को ढूंढते रहते हो। इनमें से कोई भी कृष्णा नहीं है और ना ही कभी कोई कृष्णा बन सकता है। भुला चुका हूं मैं उसे। भुला नहीं पाए हो सरकार, इसलिए उसका गदा, उसकी ट्रॉफी किसी और को दे दिया है। आपने उसे अपने घर से जरूर निकाल दिया है सरकार, लेकिन अपने दिल से नहीं निकाल पाए हो। कृष्णा, जानू सो रही है क्या? हाँ दादाजी। देखो सजीदा जी, हो क्या बात है? आपको याद है आज क्या है? आज से हमारे गांव में मेला शुरू होगा ना। आज पहली आरती है, कुछ ही दिनों में कुश्ती शुरू होगी। सरकार बहुत खुश होंगे आज। शादी के दिन भी कोई ऐसा ही सोता है क्या? तो क्या करते? करने को बहुत कुछ है, फिलहाल ये लीजिए। साड़ी है? पहननी है? ठीक है। हेलो, मैं पहनूंगा ना, राजस्थानी साड़ी है। सब उल्टा, इधर का उधर, उधर का इधर, सब उल्टा है। मैं पहनाऊंगा ना। आप पहनाओगे? और क्या,
दुकान वाले के साथ चार घंटे बैठ के सिखाऊं मैं? मैं पहनाऊंगा ना। जानू? जानू? हाँ पापा। बेटा तुम चिड़िया देखना चाहती थी ना कॉर्नर में? हाँ पापा। बाइनोक्युलर से देखूंगी। ओके पापा। जाओ बेटा। कैसे? लेफ्ट में देखो बेटा। हाँ मम्मा। देख लिया। देखने दो। मतलब? इसको ही समझ में आया तो हमें हमारा काम पूरा कर लेना चाहिए। भाई और बहनों बाहर आओ, एक अनाउंसमेंट है। आज हमारे शादी की सालगिरह है। राजस्थानी साड़ी भी दिलाए हूँ और खाने के लिए भी लेके जा रहा हूँ, ये बोलने आया था। नोटेड डाउन। और पता है पापा ने मम्मा को साड़ी? वो देखो उसके लिए राजस्थान से साड़ी लाया है। एक तुम हो, मेरे लिए आज तक ब्लाउज पीस भी लाए हो क्या? बीवी भी तो ऐसी होनी चाहिए। राजा साहब, पहलवान अभी जिंदा है। क्या बोला, जरा फिर से तो बोल। राजा साहब, मैंने पहलवान को देखा, वो यहाँ अपने परिवार के साथ आराम से रह रहा है। आपके पति ने तो पहले ही बहुत कुछ दिया है, और ले लेता हूं थोड़ा दूध बस। कैसा है किच्चा? अच्छा हूं आप? ठीक नहीं हूं, चार साल से ठीक नहीं हूं। उस दिन अखाड़े में तूने सिर्फ मुझे नहीं गिराया, गिरा दी वंश की मर्यादा, वंश की प्रतिष्ठा। अगर घर में शादी है मैं दूल्हा हूं, अच्छा। अगर घर में मातम है मैं लाश हूं, वो भी अच्छा है। लेकिन यार तूने तो मेरी ही शादी में आके मुझे ही लाश बना दी, ये अच्छी बात नहीं है। आज कोई किसी भी बात पे हंसता है, लगता है मुझ पे हंस रहा है। अब घर से बाहर नहीं निकलता हूं। मरना है तो मर ले,
सामने हो। नो 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 नो, अभी तो मैं रिलैक्स्ड हूँ। तू मिल गया ना? ये लीजिए दूध। थैंक यू। तूने ही कहा था ना किच्चा कि पहलवान की असली जीत अखाड़े में होती है, तो बस तुझे एक बार फिर मेरे अखाड़े में आना है पहलवान की तरह, और मैं वहां तुझे हराऊंगा। वो पहलवान नहीं आएगा। आएगा, आएगा ना, मैं बाहर लेकर आऊंगा। और एक बात कहूं तुझसे, तेरी पर्सनालिटी पे ये मटके शटके सूट नहीं करते। पहलवान सुपर। अरे आपकी बिटिया नहीं दिखाई दी? सुना है बहुत प्यारी है, कहाँ है? पहलवान को तो वापस आना ही होगा, मैं लेके आऊंगा उसे। कहाँ है? बाहर निकल। अच्छा, ए टोनी, कोच, ए कोच, कल के पेपर टाइम्स आज ही पढ़ना। चैंपियन टोनी से बैन हटा। टोनी इज बैक। टोनी इज बैक। इससे कुछ समझ में आया बुड्ढे? दुनिया सिर्फ जीतने वालों का साथ देती है, लेकिन अब तुम क्या करोगे? अरे हाँ, तुम्हारी तो बेकरी है ना, इतनी बड़ी बेकरी, मीठा बिस्किट, नमकीन बिस्किट। औकात से ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर, इतनी ऊंचाई से गिरेगा चोट उतनी ही लगेगी। हाँ हाँ, यही तो समझा रहा हूँ तुमको। टोनी को हराओगे तुम, अगले साल तक जिंदा रह पाओगे? हा? हो सके तो इसी साल एक बटर बिस्किट तैयार करके मुझे खिला दे। तब समझ में आएगा किसके कितने औकात है। कृष्णा चाय? नहीं। करीम भाई। हाँ। बुरा मत मानिएगा, इतनी रात को फोन कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, बोलो कृष्णा। करीम भाई, थोड़ा पैसा चाहिए था चालू के एडमिशन के लिए। अरे क्या बेटा, अपने चालू की फीस के लिए इतना क्या सोचना, सुबह ले लेना। थैंक यू करीम भाई, जल्दी लौटा दूंगा। करीम भाई। हाँ। अरे करीम भाई क्या हुआ? अरे अभी कहाँ कुछ हुआ है, कैसा है किच्चा? आ रहा है ना बाहर पहलवान? ए, बहुत गुस्सा आ रहा है ना? नहीं, कोई बात नहीं, 4 साल इंतजार किया है, थोड़े दिन और कर लूंगा। पर उतरेगा तू अखाड़े में, वादा है, उतारूंगा तुझे अखाड़े में। मारने का मन कर रहा ना मुझे? मार। मारने नहीं राणा, बोलने आया हूं। राणा, मेरी खामोशी का मतलब यह नहीं कि मैं डर गया, मतलब है इज्जत। कुश्ती को कुश्ती में सामने वालों को इज्जत देंगे तो कुश्ती वापस हमको इज्जत देगी। अगर उस दिन मैं तुमसे हार गया होता तो भी एक बड़े पहलवान से हारा हूं सोचकर खुश रहता। खेल बड़ा है राणा, हम नहीं,
मुझे कुश्ती सिखाने वाले अपने सरकार को वचन दिया हो कि मैं कुश्ती कभी नहीं लड़ूंगा और दिए हुए वचन फाटी को मैं पहलवान की बाहर आने की आपकी सोच कभी पूरी नहीं होगी कभी नहीं। हाँ हेलो आरती जी पापा तुमने जो गैरेज बताया था ना बेटा हाँ पापा क्या नाम है उसका पाशा गैरेज पाशा गैरेज है ना हाँ सॉरी करीम भाई मेरी वजह से फिक्र की कोई बात नहीं कृष्णा मुझे कुछ नहीं हुआ कृष्णा पैसे मांगे थे ना तुमने नमस्कार कहिए मेरी गाड़ी में थोड़ा डेंट पड़ गया जरा देख लेंगे क्या जरूर तशरीफ रखिए देख लेता हूँ सुलेमान साहब की गाड़ी देख कोशिश करो हाँ फैमिली है शंकर भाई चलता हूँ हाँ ठीक है कृष्णा एक बात पूछूं बुरा तो नहीं मानेगा कुछ नहीं जानू को इतने बड़े स्कूल में डालने की जरूरत है क्या क्यों तुम इतनी मेहनत करके कमाते हो उसमें तो खोली का भाड़ा भी नहीं निकलता ऊपर से इतना महंगा स्कूल शंकर भाई एक माँ अपने बच्चे को गोद में क्यों बिठाती है बोली ताकि बच्चा भी वो सब देखे जो माँ देख रही है लेकिन एक बाप अपने बच्चे को कंधे पे क्यों लेके जाता है पता है ताकि बच्चा वो सब देखे जो वो नहीं देख पाता और भैया एक बाप के लिए बोझ नहीं खुशी है और मैं तो स्ट्रांग फादर हूँ भैया स्ट्रांग फादर कृष्णा तुम जैसे अच्छे दिल वालों का कभी बुरा नहीं हो सकता माफ करना पूछना नहीं चाहिए था दूसरों को दे देकर ये हालत हो गई है मेरी इस उम्र में जाकर पता चला कि ली कैसे जाती है 40,000 दोगे तो काम करूंगा वरना इससे कम में नहीं ये बॉक्सिंग का एड है भाई पैसे कम होते हैं काम भी बहुत ज्यादा है भाई और हम लोग कम है इतने पैसे में नहीं हो पाएगा ए चलो रे चलो तुझे क्या चाहिए वो काम मैं करता हूँ सेठ जी कितने लोग हैं तेरे साथ साथ में कोई नहीं मगर काम मैं करता हूँ सेठ जी उनको जो देने वाले तो वही दीजिए बस अकेले कैसे करोगे काम बहुत ज्यादा है यार करूँगा सेठ जी भरोसा कीजिए मटेरियल उधर पड़ा है हाँ सेठ जी शुरू हो जा थैंक्स सेठ जी ए पांडे हाँ भाई जा जाके देख कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं जल्दी जल्दी हाथ चलाओ पैसे से बड़ा कभी किसी चीज को नहीं माना इमोशन और रिलेशन को मैंने कभी कभी अहमियत नहीं दी मुझे लगा था कि सिर्फ दौलत के लिए कृष्णा मेरी बेटी से शादी कर रहा है लेकिन कृष्णा ने मुझे गलत साबित कर ही दिया ये मत सोचे कि फिर से तकलीफ देने आया हूं सर मन में जो बातें बोलने आया हूं एक दिन मेरी बेटी दिखाई नहीं दी सर सिर्फ एक घंटा बहुत ढूंढा सर कहीं नहीं मिले एक 3 साल की बच्ची सर सिर्फ एक घंटा जब वो नहीं मिली तो मेरी जान निकल गई सर तो जिस बच्ची को अपने 22 साल तक पाला पोसा अचानक मैं उसे लेकर गया तो पर क्या गुजरी होगी आप समझ सकता हूं सर मैं
अब मुझे समझ में आया सरकार, अहमियत इंसान की होती है, पैसों की नहीं। उस दिन जब मैंने आपसे झगड़ा किया था तो इसलिए नहीं कि वो मेरी बेटी से शादी कर रहा है, बल्कि इसलिए कि मेरा बिजनेस बर्बाद हो रहा था। मैं अच्छा बाप नहीं हूं सरकार, वो है अच्छा बाप और उसकी परवरिश करने वाले आप हो। एक अच्छे बाप जानबूझकर की गई मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। हाँ बस वो आता ही हूँ। ओके सर, नमस्ते। नमस्ते पप्पू। किच्चा का कुछ पता चला? हाँ, अखाड़े में उसकी फोटो देखी थी। यही है ना? यही है सर, हमारा किच्चा। सर क्या हुआ? हर साल होने वाले बहुत बड़े बॉक्सिंग टूर्नामेंट का एडवर्टीजमेंट है। हमेशा ट्रॉफी तो हम ही जीतते थे, लेकिन शायद इस साल वो फोटो साहब, ये तो बादशाह मैकेनिक की दुकान की फोटो है। इस मैकेनिक को तुम जानते हो? हाँ जानता हूँ। इसे जानते हो? कृष्णा है अपना। हा? ये लो, अपने घर के पास ही तो रहता है कृष्णा। हाँ एक मिनट। हेलो, सलीपुर में फिर से स्वागत है किच्छा। मुझे पता था तू आएगा, इसीलिए सारे पंचों को बुला लिया है। ए, सर उठाओ बे मुर्दो। उस दिन इसके जीतने पर बहुत तालियां बजा बजा के उछल रहे थे ना, मेरे कटआउट तक को रौन डाला था। आज मेरी जीत होगी, घर घर गांव गांव में मेरी जीत का जश्न। जानू, ए कहाँ जा रहा है? बात कर रहा हूं ना मैं। वॉचमैन है मेरा। अच्छा चल एक बात बता, तू यहां बाप बन के आया है या पहलवान बन के? एक बाप अपनी बेटी को ले जाने आया है। सरकार ने तुझे पहलवान चाहिए मुझे। नहीं!
अभी इससे मेरी कुश्ती बाकी है। क्यों बेकार नाटक कर रहा है बाप को दिया वचन निभाने का? बिन माँ बाप का अनाथ है तू, कहाँ मर गया तेरे अंदर का पहलवान? कहाँ है पहलवान? मर गया है ना पहलवान? मार दो। साफ करना था तुमसे, लेकिन अब दूसरा शुरू हो गया। सोए हुए शेर को नहीं जगाना चाहिए था। जुल्म ना करने के लिए कहा था, जुल्म को बर्दाश्त करने के लिए नहीं। ऐसे ही लोग होने चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट। Thank you.
रोको, स्टॉप, स्टॉप इट, स्टॉप इट, रोक, पुलिस, 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 हम तो बस वॉचमैन हैं सर। दारुण स्टैमिना, खूब जोश, खूब पावर बाढ़िए दे महाबोली। पुरानो थे के पुरानो जौन समस्या दूर करार फलप्रसू और सुरक्षित फर्मूला हलो महाबोली। दोष दूर करे, जोश जागाय, रात के रंगीन करे तोले महाबोली, तूफानी जोश। फ्रेंड्स, डिजायर फॉर कंप्लीट फिजिकल सैटिस्फैक्शन एक जन स्त्री बा पुरुषेर सब थेके बड़ चाहिदा थाके, कारण ओ एई जौनक्रियार चरम सुखेर आनंद पुरोपुरी भावे अनुभव करते पारे। आज आम्रा आपनाके जौनक्रियार शक्ति प्रदानेर जन्नो चरम सुखेर मतो महाबलवान तैरीर जन्नो निये एसेछि आयुर्वेदेर विशेष जड़ीबुटी दिए तैरी अद्भुत जौन शक्तिर भाण्डार महाबली। आढ़ाई बछर पर्यन्त आमि स्त्रीके छुइनि, ओ आमाके सन्देह करत। এখন ওকে কি করে বোঝাতাম যে এই দুর্বলতার কারণে আমি ওকে কেন আমার ব্যবসার পর্যন্ত খেয়াল রাখতে পারতাম না। কিন্তু যেদিন থেকে আমি মহাবলীর চিকিৎসা শুরু করেছি সেদিন থেকে আমি ক্লান্তই হই না। এখন স্ত্রীর কথা কি বলবো, ও আমার সাথে খুব খুশিই থাকে। এখন তো মহাবলী না নিয়ে ও আমাকে বেডরুমে ঢুকতেই দেয় না। অপার শক্তির পূরণ এই মহাবলীর ব্যবহারে আপনি আপনার পার্টনারের সাথে ভালোবাসার বিশেষ মুহূর্তের দীর্ঘ সময়ের জন্য আনন্দ নিতে পারেন। আয়ুর্বেদ শক্তিতে পূরণ মহাবলীর অগণিত গুণ আছে। যদি আপনি শারীরিক দুর্বলতায় ভুগছেন, ফিজিক্যাল রিলেশনশিপ বা সম্ভোগ ক্রিয়াতে নিজের পার্টনারকে সন্তুষ্টি করতে পারছেন না, তাহলে টিভি স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কল করুন। বিনা কোনো সংকোচে ঘরে বসে মহাবলী নিয়ে আসুন। দোষ দূর করে, জোশ জাগায়, রাতকে রঙিন করে মহাবলী, তুফানি জোশ। ওই বিয়ের পর কিছু বছর পর্যন্ত আমার স্বামী না আমার পিছনে ছাড়ত না। হঠাৎ অনুভব করতে শুরু করলাম যে ও যেন আমার থেকে দূরে দূরে থাকে। আমি তো জিজ্ঞেসই করে ফেললাম ব্যাপারটা কি বলতো। উরি বাবা, উনি বললেন ওনার শরীরে সাথ দেয় না। আমরা দুজনে তো খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম। কিন্তু হঠাৎই টিভিতে মহাবলীর অ্যাড দেখলাম, আর দেখতেই সেটা আনিয়ে নিলাম। মহাবলী নেওয়ার পর উনি তো আগের থেকেও বেশি জোশিলা হয়ে গেছে, এখন তো আমি নিজেও নিচ্ছি। আরে মহাবলী নেওয়ার পর না আমারও না 18 বছর মেয়েদের মতন জোশ চলে এসেছে। এর ব্যবহারের ফলে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে একটা নতুন শক্তি, নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, আর ওদের প্রত্যেকটা মিলনে সন্তুষ্টি আর আনন্দ চরম পর্যায়ে পৌঁছায়, যার ফলে ওদের বৈবাহিক জীবন যেটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল সেটাতে একটা নতুন পজিটিভ চেঞ্জ চলে আসে। মহাবলীর তুফানি জোশ আপনার ভালোবাসাকে বানায় স্মরণীয়। মহাবলী দিয়ে শক্তি আর স্ট্যামিনা বাড়িয়ে আপনি হবেন ভালোবাসার মহাবলী। এটাতে আপনি পাবেন ক্যাপসুল আর অয়েল, দুটো ক্যাপসুল সকালে জল খাবারের পর, আর রাতে সহবাসের এক ঘন্টা আগে দুটো ক্যাপসুল গরম দুধের সাথে নিন, আর অয়েল দিয়ে নিজের গোপনাঙ্গে হালকা মাসাজ করুন। এর ফলে দুর্বল হয়ে যাওয়া নার্ভে চাপ উৎপন্ন হওয়া শুরু হবে, বেশি স্ট্রং হবে, ক্লান্তি বা দুর্বলতা দূর হবে, আর সাথে আপনার মধ্যে কাম ইচ্ছা জাগ্রত হবে। তাই দেরি না করে টিভি স্ক্রিনে ফ্ল্যাশ হওয়া নম্বরে এক্ষুনি অর্ডার করুন মহাবলী। দোষ দূর করে, জোশ জাগায়, রাতকে রঙিন করে মহাবলী, তুফানি জোশ। আমার কাছে ধন সম্পত্তি, খুব সুন্দরী স্ত্রী, সবকিছু ছিল, কিন্তু সব থেকে বড় কমজোরি ছিল সেটা হলো পুরুষত্বের শক্তি। আমি আমার স্ত্রীকে খুব ভালোবাসতাম কিন্তু ওকে পুরোপুরিভাবে স্যাটিসফাইড করতে পারতাম না। কিন্তু যেদিন থেকে আমি মহাবলী নেওয়া শুরু করেছি ওটার অ্যামেজিং রেজাল্ট পেয়েছি আমি। মহাবলী নেওয়ার ফলে আমার শরীরে পৌরুষত্ব বাড়তে থাকে আর স্ত্রীও খুব খুশিতে থাকে। খুশি কেন হব না, আমার মহাবলীতে পৌরুষত্বের শক্তি বাড়তে থাকছে। এখন আমি একজন কমপ্লিট ম্যান বিকজ অফ মহাবলী। মহাবলীর সেবন 18 থেকে তার বেশি বয়সে সব স্ত্রী আর পুরুষেরা করতে পারেন। তাই দেরি না করে টিভি স্ক্রিনে ফ্ল্যাশ হওয়া নম্বরে অর্ডার করুন এক্ষুনি মহাবলী। মহাবলীতে রয়েছে অশ্বগন্ধা, সালাম মিশ্রি, পিপরা মূল, জ্যোতিষমতি, সফেদ মুসলি, জাবিত্রী, বিদারী কন্দ, যষ্টিমধু, কেশর, কোঞ্চ বীজ আর শুদ্ধ শিলাজিতের মতো অনেক দুর্লভ জড়িবুটি, যেটাতে আপনি পাবেন নতুন ঊর্জা, নতুন শক্তি আর প্রোটামিনা।
যেসব স্ত্রী আর পুরুষ কাম ইচ্ছার দুর্বলতা অনুভব করেন, মহাবলী সেবন শীঘ্রই শুরু করুন। টিভি স্ক্রিনে ফ্ল্যাশ হওয়া নম্বরে এক্ষুনি অর্ডার করুন মহাবলী। আজকালের সময় না এই মহিলাদের লাইফ একদম চ্যালেঞ্জে ভরা, এক একদিন ব্যস্ততার মধ্যে কাটে, কিন্তু যখন ওর পরম কর্তব্য হলো সবচেয়ে আগে স্বামীদের খুশি রাখা, তাহলে এগুলো কে পূরণ করবে? মহাবলী। মহাবলী নিলে মহিলাদের শরীর একদম শক্তিশালী, খুব সুন্দর, জোশে ভরা, তখনই না পুরুষ আশেপাশে আসবে। তাই সব বোনেরা মহাবলী নিন, তারপর দেখুন জীবনের মজা। আজও কিছু এমন মহিলা আছেন যারা ঘরের কাজে এতটাই ডুবে থাকেন যে কখনো নিজের উপর লক্ষ্যই দিতে পারেন না, এমনকি নিজের শারীরিক দুর্বলতার উপর উনার লক্ষ্যই যায় না। আর যদি উনি বুঝতেও পেরে যান তো নিজের পরিজনদের বলতে ভয় পান। উনার এই ব্যাপারে ভয় হয়ে যায় যে উনার স্বামী উনাকে ছেড়ে না দেয়। ও তো আমার দিকে তাকায়ই না, আমাকে দেখলে মুখ ফুলিয়ে নেয়। নিজেকে দেখেছো কখনো? একদম ঝিমোনো লাগে দেখতে। তোমার স্বামী মুখ ফুলিয়ে শোবে না তো আর কি করবে ভাই? তাহলে আমি কি করবো মাসি, আপনি কিছু বলুন। মহাবলী নেয়া শুরু করে দাও তুমি। মহাবলী এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠবে কি তোমার স্বামী তোমার চারিদিকে লাট্টুর মতো ঘুরবে। আপনি কি বলছেন মাসি? কি না মাসি, সত্যি বলছে ভাই। আরে এমনি কি আর এই বয়সে তোর মেশোটা আর আমাকে দেখতেই কি শাহরুখ খান হয়ে যায়। আচ্ছা মাসি, এখন বুঝতে পারলাম তোমার জোশের পিছনে এই মহাবলীর হাত আছে। তুমিও মহাবলী নেয়া শুরু করে দাও, তখন দেখো না যার জোশ আর উজ্জ্বলতা স্ফূর্তি তোমার ভিতরে ভরে যাবে না, তোমার স্বামী কোথাও যাবে না। মহাবলী নিলে আপনার শরীরের জোশ, সতেজতা আর আকর্ষণ এমন বেড়ে যাবে যে আপনার সাথী আপনার দিকে আকর্ষিত হয়ে চলে আসবে। বৈবাহিক জীবনকে আনন্দময় রাখার সফল চিকিৎসা হলো মহাবলী। তাই দেরি না করে টিভি স্ক্রিনে ফ্ল্যাশ হওয়া নম্বরে এক্ষুনি অর্ডার করুন মহাবলী। ঐশ্বরী মহাশয়া, শরীরে অফুরন্ত জোশ পূরণ করাই মহাবলী, কিভাবে কাজ করে? মহাবলী আমাদের শারীরিক দুর্বলতাকে দূর করার সাথে সাথে আমাদের বডির ইন্টারনাল স্ট্রেংথ বাড়ায়, ব্লাড সার্কুলেশন ইমপ্রুভ করে, যার ফলে দুর্বল আর অসুস্থ অঙ্গগুলি আবার মজবুত হতে থাকে। আর এর সবথেকে বড় বিশেষ ব্যাপার হলো আমাদের ব্রেনে উপস্থিত দুটো হরমোনাল গ্ল্যান্ডস, হাইপোথ্যালামাস আর পিটিউটারি গ্ল্যান্ড অ্যাক্টিভেট করতে আমাদের সাহায্য করে। এতে আমাদের সেক্সুয়াল হরমোন সক্রিয় হয়ে যায়। মহাবলী দিয়ে কিছু রেয়ার মিনারেল সাপ্লিমেন্ট আমাদের বডি পেয়ে যায়, আমাদের বডিতে নতুন ঊর্জার সঞ্চার হয়। মহাবলীর নিয়মিত সেবনে হারিয়ে যাওয়া কাম ইচ্ছা আর যৌবন পুনরায় ফিরে আসে, আর পাওয়া যায় পাহাড়ের মতো শক্তি, যাতে মিনিটের জন্য নয় ঘন্টার পর ঘন্টা কাম সুখের আনন্দ নিতে পারেন। দোষ দূর করে, জোশ জাগায়, রাত রঙিন করে মহাবলী, তুফানি জোশ। আমরা আমাদের ল্যাবে মহাবলী ঔষধির অনেকগুলো টেস্ট করি আর প্রত্যেক টেস্টে এটা কোয়ালিটি প্রোডাক্ট প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের রিপোর্ট অনুযায়ী ভেদিবার মহাবলী হচ্ছে সব রকম শারীরিক দুর্বলতা দূর করার একটা কমপ্লিট ট্রিটমেন্ট। এর শুধুমাত্র পজিটিভ এফেক্টসই আছে, এর কোনো রকম সাইড এফেক্টস নেই। কিন্তু যেদিন থেকে আমি মহাবলী নেওয়া শুরু করেছি তখন আমার মধ্যে যেন একটা আলাদা জোশ চলে এসেছে। আর যে মেয়েরা আমাকে ইম্পর্টেন্ট বলে আমার থেকে দূরে পালাতো, আজ ওই মেয়েরাই আমাকে ভালোবাসার মহাবলী বলে ডাকে। মহাবলী থেকে আমি পেয়েছি আনবিলিভেবল সলিড শক্তি আর সলিড স্ট্যামিনা। এই মহাবলী, এখন দেখাও আমায় তোমার তুফানি জোশ। ভালোবাসার এই রেসে যদি পার্টনারের মধ্যে তুফানের মতো উত্তেজনা থাকে, হালকা মিষ্টি ছোঁয়া থাকে, ভালোবাসার উষ্ণতায় ভরা আলিঙ্গন দীর্ঘক্ষণ হোক, তাহলে প্রত্যেক মিলনের রাত ফুলসজ্জার রাতের মতো লাগতে পারে। সম্পর্ক খারাপের মুখ্য কারণ হলো যৌন সম্বন্ধিত অসন্তুষ্টতা। নষ্ট হওয়া সম্পর্ক মানুষকে আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে বাধ্য করে দেয়। কিন্তু এখন এরকম হবে না, আপনার বৈবাহিক জীবনের সম্পূর্ণ সমাধান চলে এসেছে মহাবলী তুফানি জোশ। ফুলসজ্জার রাতেই বুঝে গেছিলাম ওর কোনো সমস্যা আছে। আমার অনেক জিজ্ঞাসা করার পরও সত্যি বলল যে ও আগেও চিকিৎসা করিয়েছিল, যার কোনোভাবেই কোনো লাভ হয়নি। তারপর ঠিক সময় আমি মহাবলী পেলাম। ও মহাবলী ট্রিটমেন্ট নেওয়া শুরু করলো আর তার ফলও শীঘ্রই পেলাম। এখন তো সব সময় আমার সাথে থাকার অজুহাত খুঁজতে থাকে। এখন আমরা দুজন খুব খুশিতে আছি। এখন তো আমাদের জন্য রাত ছোট হয়ে যায়। হ্যাঁ, এই মহাবলীতে সামিল আছে
বিশেষ জড়িবুটির এমন শক্তি যেটা খেলেই যে কেউ হতে পারে ভালোবাসার মহাবলি, আর নিজের পার্টনারকে দিতে পারে কমপ্লিট ফিজিক্যাল স্যাটিসফ্যাকশন। দুর্বলতা, নপুংসকতা, কাম ইচ্ছা কমে যাওয়া, শীঘ্র পতন, স্বপ্নদোষের সফল চিকিৎসা হলো মহাবলি। এতে আপনি পাবেন ক্যাপসুল আর অয়েল, দুটো ক্যাপসুল সকালে জলখাবারের পর, আর রাতে সহবাসের এক ঘন্টা আগে দুটো ক্যাপসুল গরম দুধের সাথে নিন, আর অয়েল দিয়ে নিজের গুপ্তাঙ্গে হালকা মাসাজ করুন। এতে দুর্বল হওয়া নাড়বে, চাপ উৎপন্ন হতে শুরু হবে, পেশি স্ট্রং হবে, ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে, আর তার সাথে আপনার মধ্যে কাম ইচ্ছা জাগৃত হবে। তাই দেরি না করে টিভি স্ক্রিনে ফ্ল্যাশ হওয়া নম্বরে এক্ষুনি অর্ডার করুন মহাবলি। आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? सरकार, आप इतने दिनों से हमसे मिलने क्यों नहीं आए? गलती हो गई बेटा, गलती हो गई। लेकिन पापा तो ये कहते हैं कि सरकार से कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। पापा ने ऐसे बोला? हाँ। मैं पहले भगवान को नहीं मानता था, लेकिन अब मानने लगा हूँ। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन इस गदा के कारण मुझे अवसर मिला कि मैं आपके इस विराट रूप को देख सका। कृष्ण और कंस दोनों पहलवान थे। कृष्ण धर्म के लिए लड़े और कंस अधर्म के लिए। जिस इंसान को मैंने ट्रेन किया, जिसके लिए अपना खून पसीना बहाया, वही इंसान एक दिन कंस बनकर मेरे सामने खड़ा हो जाएगा, ये सोचा नहीं था मैंने। बॉक्सिंग के इतिहास में कलंक है वो। इस पूरे वाक्य को सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं स्वार्थी हूं, तो हां मैं स्वार्थी हूं, लेकिन इस कलंक को मिटाने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, आपको बॉक्सिंग रिंग में आना ही होगा। पैसा मिलेगा? हाँ, बॉक्सिंग के तो पैसा मिलेगा। हाँ मिलेगा। पैसे कितने मिलेंगे? पता नहीं कितने मिलेंगे सरकार, लेकिन उन बच्चों के लिए पैसों की जरूरत है। बच्चे? बच्चे। उस दिन घर छोड़ के जा रहा था, तब पता था कि थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बहुत तकलीफ हुई सरकार। तकलीफ यानी कुली बनने में या गरीबी में नहीं सरकार, आपके बिना, कुश्ती के बिना बहुत तड़पा मैं। नींद नहीं आती थी सरकार, पूरी रात दौड़ता रहता मैं, शायद थक जाने से नींद आ जाए। समझता था कि मेरी तकलीफ ही बड़ी है, लेकिन जिंदगी ने उससे भी बड़ी तकलीफ से मिलवाया, उन बच्चों की। मैं खाना खा के आता हूँ। खाने की बहुत पड़ी है तुमको, पहले काम खत्म करो, उसके बाद ही खाने के बारे में सोचना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ उठाओ जल्दी से, समझे क्या? सुशीला। अरे भैया। घर में बहुत परेशानी थी ना, बाबा के मरने के बाद हमें यहाँ आना ही पड़ा। शुरू में थोड़ी परेशानी हुई, उसके बाद तो आदत सी पड़ गई। दौड़ना तो जैसे मैं भूल ही गई भैया। मुन्ना किधर है? वो नहीं है भैया। नहीं है मतलब? वो तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था, कहता था काम नहीं करूँगा, क्रिकेट खेलूँगा, क्रिकेटर बनूँगा। एक दिन अम्मा उसे जबरदस्ती काम करने के लिए लेके आई, कहने लगा मुझे क्रिकेट खेलना है, कह के जोर से भागा। बदले सड़क बनाया, बहुत दुख सहा है भैया।
लेकिन अब तो आदत सी हो गई है। आप यहाँ कैसे? सुशीला सर, अभी आ रही हूँ। भैया सुपरवाइजर बुला रहा है। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा भैया। हम लोग यहीं रहते हैं, आना कभी। चलती हूँ। हाँ सपने तो बड़े बड़े देता है भगवान, और साथ में भूख भी, फिर वही भूख सारे सपनों को जलाकर राख कर देती है। भैया इधर आओ, मेरी एक बात मानोगे? बोलो भैया। किसी भी कमी के बिना तेरी अच्छी देखभाल करूंगा मैं, बस पहले की तरह दौड़ना है तुझे। मेरे साथ चलो, मैं ख्याल रखूंगा। जाने दो भैया। क्यों, भरोसा नहीं है मुझ पे? आप पर तो पूरा भरोसा है भैया। तो फिर ये सब लोग भी हमारी तरह खेल में बहुत अच्छे हैं भैया। ये दिव्या डिस्ट्रिक्ट लेवल की खो खो प्लेयर थी, और वो श्रुति कबड्डी प्लेयर। ये है महेश डिस्ट्रिक्ट लेवल का वॉलीबॉल प्लेयर। लेकिन दुर्भाग्य से हम प्लेयर से लेबर बन गए। इनके बिना कैसे आऊं? आप पर भरोसा है, भाग्य पर नहीं। तुम्हारा मन साफ है जो इसके सपनों को पूरा करना चाहते हो। इस बस्ती में इतने बच्चे हैं तो पूरे देश में कितने होंगे? उन सबके सपनों को कैसे पूरा करोगे? भूखे को रोटी नहीं, रोटी वाले को भूख नहीं। ऐसे हजारों बच्चे हैं सरकार, एक से एक होनहार, छोटे छोटे से, जो दो वक्त की रोटी के लिए अपने सारे हुनर को, सारे सपनों को वक्त की भट्टी में झोंक देते हैं। बहुत दुख होता है देखकर। जब तक इंसानियत है कोई अनाथ नहीं हो सकता। इंसान होना सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी जीना है, ये सबक तो बचपन से मैंने आपसे सीखा था सरकार। मेरे बॉक्सिंग की कमाई से अगर कुछ बच्चों का भविष्य बदल सकता है तो मैं जरूर करूंगा, अगर आप मान जाए। मैंने तुमको सिर्फ कुश्ती लड़ना सिखाया, लेकिन कुश्ती क्यों लड़ते हैं ये तुमने सीख लिया। तुम तब भी दूसरों के लिए लड़ते थे, और आज भी वही करने जा रहे हो। तुम्हें अपना बेटा कहने में मुझे गर्व हो रहा है। ताकत का गुरूर जिसको होता है वो है गुंडा, लेकिन जिसके इरादों में ताकत भरा हो वो है योद्धा। Ready?
products throughout the match. No foul play, no rabbit punches. Okay? Ready? Ready? Bell rings and here we go! Yugi is known for his swift jam. You're not supposed to do that, all right? Fight! Hey, get back. There's a third warning. Next time you'll be disqualified. Bell, go back and to your party. And that's the bell. The crowd is having a real good time. Me too. But I didn't say anything. Coach, Vijender is not trying to calm him down. Samajh gaye? Jo paithra wo dikhata hai, uska bilkul ulta karta hai wo. Usse usi ke paithre se nipto. Samajh gaye na? तुम कर सकते हो। और अब चलते हैं दूसरे राउंड में। कहीं ये तेरा बटर बिस्किट मुझसे टक्कर लेने से पहले ही पिघल ना जाए।
Congratulations, Tony. How are you feeling? Feels like I'm on a holiday. Tony, आप अपने opponent के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहलवान किचन. Oh, I'm scared. पहलवान किच्चा, आप अपने ओपोनेंट टोनी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? टोनी एक बहुत बड़े बॉक्सर है, पर मेरा सौभाग्य है कि इनके साथ बॉक्सिंग करने का मौका मिला है. कृष्णा जी, आप कुश्ती छोड़कर बॉक्सिंग में क्यों आए हैं? पैसों के लिए मैडम. जी, समझी नहीं. ये पैसे अपने लिए नहीं मैडम, बिना कोई प्रोत्साहन के प्रतिभाशाली बच्चे सड़कों पर काम करके जिंदगी गुजार रहे हैं. अगर थोड़ा सा भी बढ़ावा देने वाले उनको मिल जाए तो यही राज्य के, देश के बहुत बड़े खिलाड़ी बनकर वो सेवा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है. टोनी जी, इस फिनाले के बारे में आपका क्या कहना है? इट्स गोइंग टू बी शॉर्ट, क्रिस्प एंड शॉर्ट. पहलवान किच्चा सर, आप जीतोगे? मुझे पता नहीं मैं जीतूंगा या नहीं, लेकिन एक बात बोलता हूं सर, जिंदगी में कभी भी आसानी से हार नहीं मानी है मैंने. प्रतिभाशाली गरीब बच्चों के लिए एक नई उम्मीद की किरण पहलवान किच्चा, जो कुश्ती से दूर हो गया था, वो अपनी बॉक्सिंग से ही नहीं बल्कि अपनी सोच और मकसद से लोगों के दिलों के करीब आ रहे. बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है, उनको खेल के लिए प्रोत्साहित करना होगा. स्कूल में मैं स्टेट लेवल वॉलीबॉल प्लेयर था, लेकिन आगे बढ़ने के लिए किसी ने भी सहारा नहीं दिया. पहलवान किच्चा हमारे राज्य का ही नहीं देश का आदर्श है. देश को गर्व है उनसे. हमारी कंपनी के लोग एक दिन की सैलरी को बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए डोनेट कर रहे हैं. उसका मकसद पूरा हुआ तो हमारे बच्चे भी खेलेंगे. वो जीता समझूंगी मेरा बच्चा जीता. पहलवान क्या भला. पहलवान किच्चा ने लोगों का दिल तो जीत ही लिया है, पर बॉक्सिंग रिंग में टोनी से जीत पाएंगे? लेट्स वेट एंड वॉच. कृष्णा, अपनी मंजिल से सिर्फ तुम एक कदम दूर हो. अगर यही एक कदम नहीं चल पाए तो तुम अपनी मंजिल को कभी हासिल नहीं कर पाओगे. सर चलिए. नहीं, तुम जाओ. सर आज फाइनल है, अगर आप ही नहीं आएंगे तो. जिस दिन टोनी के सामने मैंने कृष्णा को खड़ा किया उसी दिन मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई पप्पू. आज रिंग में जो युद्ध होगा फाइनल, वो मेरा नहीं उसका होगा. आज का दिन उसका है. आज उसे वहां मेरी जरूरत नहीं है. आज जिस मकसद से वो बॉक्सिंग रिंग में आया है वही मकसद जी उसकी ताकत बनकर उसे मंजिल तक ले जाएगा. Welcome to the grand finale of Very Handsome Pro Boxing League. Introducing first, the deadly wrestler, Pehlwan Kichcha. Come on!
I think his force field ribs damage is guaranteed. Stop! Back to one. Hey!
मेरे बेटे जैसा नहीं, मेरे बेटे हो। तुम्हें अपना बेटा कहने में मुझे गर्व हो रहा है। ताकत का गुरूर जिसको होता है वो है गुरु, लेकिन जिसके इरादों में ताकत भरा हो। आप पर भरोसा है, भाग्य पर नहीं। वो है योद्धा। Tell me now, how much? How much? Sure. Good. Now, tell me, how much? Two. Good. Good to go. That's a thumbs up!